12 दिसंबर साल 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन राजधानी के स्थानांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार में मौजूद हजारों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इस दिल्ली दरबार में भारत के अलग अलग राज्यों से राजा रजवाड़े, उनकी रानियां, नवाब सहित कई अति विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। साल 1911 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की नींव रखी और इस शहर को देश की राजधानी का जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी। शहर की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने बनाई थी।